जी मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं मित्रों। आज मैं कोई अपने बगीचे का थोड़ा बहुत टूर आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको पिछले वीडियो में दिखाया मेरे पास अमरूद का बहुत बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए मित्रों, पूरे जड़ तक अमरूद में पेड़ में फल लगे हुए हैं। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मित्रों, कितने बड़े बड़े अमरूद लगे हैं। मित्रों, आज हम आपको थोड़े बहुत हैंगिंग बास्केट के बारे में बताना चाहते हैं। हैंगिंग बास्केट मेरे कम से कम 20 हैंगिंग बास्केट हैं मेरे पास। देखिए, ये तो पर्पल हार्ट है। देखिए, इतना बड़ा पौधा लगाया था 2-3 महीना पहले, मई में लगाया था। देखिए कितना बड़ा हो गया। ये देखिए ग्रीन ग्रॉस है। ये देखिए टेंडर हार्ट है, इसके भी दो हैंगिंग बास्केट हैं। और ये देखिए सिंगोनियम है। मित्रों, मेरे बगीचे में सारे पौधे बेहिसाब ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, ये सिंगोनियम है, ये वो हाइब्रिड वाला है। ये देखिए, इसमें पिंक है। ये देखिए, इसकी अलग क्वालिटी है। अब मित्रों, आपको दिखाती हूँ, मैं एक महीना पहले एक नया पौधा लाई थी, बिल्कुल बगीचे के लिए नई चीज है। देखिए, आप देखिए, टाइगर चांदनी है। नर्सरी गई तो भैया ने बोला, आंटी जी ये वाला पौधा ले लीजिए, टाइगर चांदनी है। तो दो पौधे ले आई मैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। इसका वीडियो भी अलग से बना हुआ है, दिखाऊंगी आपको। ये देखिए टाइगर चांदनी, कितने खूबसूरत पौधे हैं, फूल हैं, और इसकी खुशबू मित्रों बहुत ज़्यादा है। बैरिकेटेड है इसका, मुझे अच्छे से नाम नहीं पता है, बताऊंगी आपको पूछ के। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी टंडल हार्ट है। ये देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। मुझे हैंगिंग बास्केट फ्रेंड बहुत अच्छे लगते हैं। अब आपको दिखाती हूँ टर्टल वाइन। देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत है, इसके पॉट्स ही नहीं दिख रहे हैं। अभी नीचे मेरे एक लगा हुआ है हैंगिंग बास्केट मित्रों, और वो देखिए उसमें तो मेरे से ज़्यादा लंबाई हो गई इसके वाइन की सब। ये देखिए कितना प्यारा, ये देखिए गोल्डन प्रोथोज है, मनी प्लांट बोलते हैं इनको, और एक नॉर्मल वाला मनी प्लांट भी है। मैं ये देखिए, इसको तो मैंने कई वीडियो में दिखाया, हाथ से बनाया है हैंगिंग बास्केट, मुझे घी के डिब्बों से बनाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है मित्रों। मित्र, ये देखिए वांडरिंग जीव है। ये मैं एक जगह पार्टी में गई थी, वहाँ से चुरा के ले आई थी, और इसके बहुत पौधे लगाए मैंने, एक हैंगिंग बास्केट में भी लगा दिया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसके और पौधे हैं मित्रों। कि हैंगिंग बास्केट बनाते समय तो गार्डन सॉइल का यूज थोड़ा कम करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मैंने तो किसी भी हैंगिंग बास्केट में गार्डन सॉइल नहीं डाली है, कोकोपीट डाला है और वर्मी कंपोस्ट, दोनों चीज़ को मिला के मैंने सारे हैंगिंग बास्केट लगाए हैं। इससे क्या होता है कि बास्केट में बहुत वेट नहीं पड़ता है, और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट से ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। छोटे छोटे पौधे लाए थे, अब हैंगिंग बास्केट देखिए पूरी दीवार ढके ले रहे हैं मित्रों। चलो मित्रों, ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, जो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो आप करते ही करते हैं मित्रों, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर, आपके सब्सक्राइब का मुझे बहुत इंतजार रहता है। चलिए, आप अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड नाइट।